आज ये जो समय आया है, जो संपूर्ण संसार पे एक करोना रूपी विपत्ति आई है, तो ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि किसी भी समय आपको घबराना नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप सभी को मालूम है कि महाभारत जैसे भयानक युद्ध में गीता का जन्म हुआ था। ना महाभारत का युद्ध होता, ना गीता जन्म लेती। तो मित्रों, हमें किसी भी चीज़ से भयंकृत नहीं होना है, अपना संयम नहीं खोना है, क्योंकि जब हम संयम खो देंगे तो हम अपने दुश्मन से लड़ नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ कहा गया है, गीता में ही कहा गया है, जब अर्जुन बड़ा परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, युद्ध के मैदान में उसने युद्ध लड़ने से मना कर दिया। आज हम सब भी एक युद्ध के मैदान में हैं, जो हम पर थोपा गया है, जो ऐसा रिपोर्ट्स में आ रहा है, वैसा ही एक युद्ध पांडवों पे थोपा गया था। तो हमारी भी वही परिस्थिति है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि योगस्थ होकर कर्म करो। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप विचलित ना हो, योगस्थ हो जाए और फिर कर्म करें। परम पूजनीय महर्षि महेश योगी जी भी कहा करते थे कि हमें सबसे पहले अपने कर्म करना चाहिए, और वो कर्म कैसे होना चाहिए, वो योगस्थ होकर होना चाहिए। योग का मतलब ये नहीं जो आजकल आप टीवी पे देख रहे हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हैं और बहुत कुछ जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो योग बन के बाहर गया था यूरोप, और यूरोप से जब लौटा तो योगा बनकर आया है और उसको हम मान रहे हैं। एक बहुत ही सुलभ और बड़ी अच्छी प्रक्रिया ध्यान योग की, जिसे भावातीत ध्यान योग शैली कहते हैं, जिसको महर्षि महेश योगी जी संपूर्ण विश्व के सामने लाए। तो देखिए, योग का मतलब होता है स्वयं को जोड़ लेना, योगस्थ होना, स्वयं को स्थिर कर लेना, भावों से, विचारों से। सबसे पहले हमें अपने विचारों पर अपना कंट्रोल करना होगा, और उसके लिए हमें बहुत बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है कि आप एक जगह शांत होकर बैठ जाएं, और जब आप शांत होकर बैठेंगे तो आपके मन में आप अपनी आँखें बंद कर लें, अनुलोम विलोम करें और आप ध्यानस्थ हो जाए। जब आप ध्यानस्थ हो जाएंगे तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, उनको आने दीजिए। धीरे धीरे करते करते वो बहुत सारे विचार जाने लगेंगे और आपका मन स्थिर हो जाएगा। जब आपका मन स्थिर हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बस यूं ही कर रहे थे। आज जब कोरोना के काल में हम सब लोग घरों में बैठे हुए हैं, लगभग 60 दिनों का लॉकडाउन होने वाला है, और हम सब लोग, पूरी गतिविधि रुक गई है, लगभग 3.5 अरब लोग पूरे विश्व में घरों में बैठे हुए हैं, बहुत सारी गतिविधियां बंद हैं, हम अपने घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो ये सब हमारे धर्म ग्रंथों में पहले ही बताया गया है कि हमें अपने जीवन में ययाति नहीं बनना है। अब आज सब फील कर रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जीवन में जिनको हमने अपनी बहुत मेहनत करके उन्हें इकट्ठा कर लिया और वह हमारे उपभोग की वस्तु बन के रह गई। ययाति का जीवन हम ना जिए, हम योगस्थ होके अपने कर्मों को करें, अच्छी किताबें पढ़ें, बहुत सारी किताबें हैं, हाँ उनको पढ़ना चाहिए, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए और मन को स्थिर रखना चाहिए। हम एक दूसरे के बारे में सोचे, देखिए बहुत सारी घटनाएं आसपास हो रही हैं, टीवी पर भी बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप स्वयं को स्थिर रखिए। ऐसे एक से दूसरा व्यक्ति, दूसरे से तीसरा व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति से चौथा व्यक्ति जब स्थिर होगा और अपने घर में रह के अपने काम करेगा, हम लोग कर ही रहे हैं। देखिए, ईश्वर ने ये हमको समझाया है, ये समझने का मौका दिया है। यदि अभी भी हम नहीं समझ पाए तो हम कब समझेंगे कि जो कुछ भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, हवा, पानी और भोजन, वो सब भगवान ने दिया है, लेकिन हमने अपने जीवन को उसकी तरफ ले जाकर, उसकी तरफ ना ले जाकर, उन बहुत सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति हम बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया हमारा। हम अपने जीवन को भोग की तरफ ले गए और उन्हीं सब चीज़ों में बहुत सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उत्पन्न हो गई,
हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बहुत सारे देश ऐसे हैं, हम एक एक दौड़ में आ गए, तथाकथित दौड़ में। हम किसी से जीतना चाह रहे हैं, कहाँ जीतेंगे, कैसे जीतेंगे। बहुत सारे लोग इस जीवन शैली पे चले और उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में समाप्त कर लिया। तो ये बहुत अच्छा समय है, निश्चित रूप से जो हमारे धर्म ग्रंथों में, जो हमारी जीवन शैली में, सनातन जीवन शैली में जो चीज़ें कही गई हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। हमें अनुलोम विलोम करके अपनी श्वास की प्रक्रिया को, अपने फेफड़ों को, श्वसन नली को साफ रखना चाहिए। हमें अपने दिमाग में बहुत सारे जो ऐसे विचार हैं जो नहीं आने चाहिए, उनको डिलीट करना चाहिए। वो डिलीट की प्रक्रिया कैसी है, वो जब आप ध्यानस्थ होंगे तो धीरे धीरे जो अनावश्यक विचार होंगे वो अपने आपके दिमाग से बाहर चले जाएंगे। फिर अब जीवन कैसे जीना है, तो जीवन तो अभी जैसे आप जी रहे हैं, कुछ हो सकता है थोड़ी बहुत छूट और मिले, लेकिन लगभग ऐसा जो सुनने में आ रहा है कि हमें थोड़ा सा और अब इसी के साथ जीना होगा। लगभग हो सकता है साल भर, 6 महीने हमें ऐसा ही जीवन जीना पड़े। तो इस जीवन के लिए कुछ नई एक प्रक्रिया बनाइए, एक नई दिनचर्या बनाइए, जो कि नहीं हो रहा है। और अमूमन देखने में आ रहा है कि सब लोग घरों में बैठ के अच्छा खाना बना रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं और समय का उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं, कई लोग ऐसे भी हैं कि वो अपने परिवार के साथ बैठकर कुछ धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, अपने अनुभवों को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि देखो, बस कठिनाई जब आती है तो वो दूर करने के लिए भी बहुत सारे उपाय होते हैं और वो हमें करना चाहिए। तो मैं आप सबको एक बार पुनः कहता हूँ कि किसी भी चीज़ से घबराइए मत, थोड़ा संयमित रहिए। जो आपको शासन प्रशासन द्वारा जो बताया गया है वो उनके नियमों का पालन करिए और हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करिए, और हो सके तो योग जरूर करें। ध्यान योग शैली का जरूर अपने जीवन में लेके आए, इससे बहुत सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी, ये मेरा विश्वास है। जय गुरुदेव। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।